हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSC कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हम इंग्लिश में वोकैब की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम वर्ब सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यह इंग्लिश में वोकैब का पार्ट नंबर 4 है आई थिंक, और बाकी जितने भी पार्ट हुए हैं उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है, डायरेक्शन फाइंड द एंटोनिम्स, यानी कि एंटोनिम पता करना है, अपोजिट पता करना है। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट दोस्तों, पहला वर्ड क्या है? एग्जेम्प्ट। दोस्तों, इन सब वर्ड को आप नोट कर लें, ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन वर्ड है दोस्तों, शानदार वर्ड है। यह चुन कर लिखे गए हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। तो आप इस वर्ड को आप कॉपी में लिख लें, आपको ही फ़ायदा होगा। तो एग्जेम्प्ट पहला वर्ड क्या है दोस्तों? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री करना, मुक्त करना दोस्तों, मुक्त करना दोस्तों। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? मुक्त करना होता है दोस्तों एग्जेम्प्ट का मतलब। तो इसका एंटोनिम बताना है। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब दोस्तों क्या होता है? निकालना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक है दोस्तों, रिलीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुक्त करना, मुक्त करना। रिलीज का मतलब क्या होता है? मुक्त करना। ठीक है, एनिमेट। एनिमेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? जीवित करना, जीवित करना। एनिमेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीवित करना। और होल्ड। होल्ड का मतलब दोस्तों क्या होता है? पकड़े रहना, पकड़े रहना दोस्तों, पकड़ कर रखना। ठीक है, पकड़े रहना। यानी कि इसका एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त करना, और होल्ड का मतलब होता है पकड़े रहना। ये दोस्तों एक दूसरे के एंटोनिम लग रहे हैं कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जेम्प्ट का क्या हो जाएगा? होल्ड का, होल्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी एंटोनिम पता करना है दोस्तों। क्लैमोर। ठीक है दोस्तों, क्लैमोर। क्लैमोर का मतलब दोस्तों क्या होता है? यह एक बेहतरीन शब्द है दोस्तों, इसको आप कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। क्लैमोर, क्लैमोर का मतलब दोस्तों होता है शोर, शोरगुल, कोलाहल दोस्तों, शोर कहते हैं इसे। ठीक है, तो कराई दोस्तों, कराई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, रोना। ठीक है, यह भी शोर से संबंधित है। ठीक है, चिल्लाना या रोना, यह भी शोर से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों साउट, साउट का मतलब भी यही होता है, चिल्लाना। अप्रोर, अप्रोर का मतलब भी चिल्लाना या शोर करना होता है। ठीक है, तो लॉयन दोस्तों रोर करता है, यानी कि लॉयन चिल्लाता है, तो उसी से बनता है, बना है अप्रोर। ठीक है, तो दोस्तों काम, काम का मतलब क्या होता है? शांत रहना। ठीक है, तो काम का मतलब क्या होता है दोस्तों? शांत। तो उसी का हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो क्लैमिटी, क्लैमिटी दिया है दोस्तों, क्लैमिटी दोस्तों, क्लैमिटी दिया है। क्लैमिटी का मतलब होता क्या है? तो क्लैमिटी का मतलब दोस्तों होता है आपदा या विपत्ति। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? आपदा या विपत्ति, आपदा या विपत्ति होता है दोस्तों क्लैमिटी का मतलब। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। प्रॉस्पेरिटी का मतलब दोस्तों होता है समृद्धि। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैप्टिविटी का मतलब होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करना। ठीक है दोस्तों, कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैद करना। ठीक है, कैप्टिविटी का हो जाएगा कैद करना। तो क्लैमिटी का क्या होता है दोस्तों? विपत्ति या आपदा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विपत्ति होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लैमिटी का मतलब आपदा, तो एडवर्सिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है? विपत्ति। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ऑडेसियस दोस्तों, इसको हमने पहले भी कर लिया है ऑडेसियस को, लेकिन इसमें भी दे दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑडेसियस का मतलब पहले मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? साहसी, साहसी होता है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन? साहसी वाला, करजियस। बिना अब देखते ही मार देंगे, करजियस सही है दोस्तों। तो एक दिया है हॉटी। हॉटी का मैं पहले बता चुका हूँ, वह दो जो बता चुका हूँ दोस्तों, वह इंसान जो हट हट करता है, यानी कि घमंडी लोग हट हट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? घमंडी। ठीक है दोस्तों, घमंडी हो जाएगा। डिसडेन फुल, यानी कि घृणा से भरा हुआ, फुल ऑफ हेट, घृणा से भरा हुआ। और दोस्तों प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? घमंड होता है, अब जानते हैं प्राउड का मतलब घमंड होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले वाले पर, पहले क्वेश्चन पर। क्या दिया है? मैटर रिटन बाई हैंड। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसे हाथ के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं मानुस्क्रिप्ट दोस्तों, हाथ से लिखे हुए चीज़ को क्या कहते हैं? मानुस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, इसे भी वर्ड नंबर सिचुएशन पर हमें फाइंड करना है। दोस्तों साइंस ऑफ प्लांट्स, दोस्तों साइंस ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, मतलब पौधों के विज्ञान किसे कहते हैं, पौधों का विज्ञान। दोस्तों पौधों का विज्ञान हम कहते हैं बाटनी को, ठीक है दोस्तों, बाटनी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों, बाटनी को कहते हैं पौधों का विज्ञान। और दोस्तों एक दिया एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों ह्यूमन नेचर की अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है दोस्तों, ह्यूमन के विकास कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दिया ऑप्शन जियोलॉजी, जियो जियो का मतलब दोस्तों जियोग्राफी, आप पढ़ते होंगे जियो को, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, भू होता है, ठीक है दोस्तों। तो जियोलॉजी का मतलब लॉजी का मतलब अर्थ होता है दोस्तों, लॉजी लॉजी का अर्थ होता है दोस्तों, लॉजी एक रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है अध्ययन दोस्तों, क्या होता है अध्ययन। आप कहीं भी नॉलेज लगा रहेगा तो वहाँ पे मतलब कहीं भी लॉजी लगा रहेगा दोस्तों, कहीं भी लॉजी लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अध्ययन। तो ठीक है, तो जियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, भू अध्ययन, पृथ्वी के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। एक दिया है जूलॉजी, जूलॉजी का है दोस्तों स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स दोस्तों कहते हैं जूलॉजी, स्टडी स्टडी ऑफ एनिमल्स दोस्तों, स्टडी ऑफ एनिमल्स इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा बॉटनी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, डायरेक्शन दिया है इडियम प्राप्त, इडियम का मीनिंग पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, दिया है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, दो और दो को साथ में रखना, ठीक है, दो और दो को साथ में रखना, ठीक है दोस्तों, दो और दो को साथ में रखना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो आप एक फैक्ट को यहाँ पर रखें, एक फैक्ट को यहाँ पर रखें, ठीक है, आप दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया आप किसी चीज़ का मतलब कंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब किसी फैक्ट के बारे में पता करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों टू रीड बिटवीन लाइन्स, इसका भी मीनिंग हमें पता करना है, इडियम का टू रीड बिटवीन लाइन्स, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है दोस्तों। अगर आप लाइन के बीच में पढ़ेंगे दोस्तों, लाइन के बीच में क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक है दोस्तों, वर्ड होगा, वर्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही समझेंगे ना दोस्तों, ऐसे आप याद रख सकते हैं। लाइन के बीच में क्या होता है दोस्तों, वर्ड होता है, अब वर्ड को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ समझने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप जान सकते हैं टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है दोस्तों। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसे दोस्तों, पहला क्या था, एग्जेंट, एग्जेंट का मतलब दोस्तों होता है मुक्त करना, होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना, ठीक है, रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना, एनिमेट का मतलब होता है जीवन देना, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, ठीक है दोस्तों, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकालना, ठीक है। और अगला था क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है दोस्तों शोर, इसका एंटोनिम था स्काम, साउट का मतलब होता है चिल्लाना, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, अप्रोर का मतलब भी चिल्लाना, शोरगुल होता है, ठीक है। अगला था क्लैमिटी, इसका सिनोनिम पता करना था, ठीक है दोस्तों, क्लैमिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है, विपत्ति या आपदा, विपत्ति या आपदा, एडवर्सिटी का भी विपत्ति या आपदा होता है। एक दिया था फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, प्रॉस्पर्टी का मतलब होता है समृद्धि, और कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, कैप्टिविटी का मतलब दोस्तों होता है कैद करना, ठीक है, कैद करना, ठीक है, कैप्टिविटी का मतलब दोस्तों क्या होता है, कैद करना। ऑडेसियस दोस्तों, ऑडेसियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, साहसी, ठीक है, ऑडेसियस का मतलब साहसी होता है। तो करजिस इसका हो जाएगा, हॉटी का मतलब घमंड, घमंडी, रिजेंटफुल का मतलब घृणा करने वाला, प्राउड का मतलब घमंड, ठीक है दोस्तों। और अगला अगला दोस्तों था, इसका वर्ण वर्ड पता करना था, मैटर रिटन बाई हैंड मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं। और अगला था साइंस ऑफ प्लांट्स, तो इसे दोस्तों कहते हैं बॉटनी, जूलॉजी को एनिमल्स का स्टडी कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन नेचर की, और जियोलॉजी का मतलब अर्थ की स्टडी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस फैक्ट पहला हो जाएगा, टू टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, ठीक है। तो अगला देखते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, अगर आप लाइन के बीच में पढ़ेंगे तो वर्ड को पढ़ेंगे, तो दोस्तों वर्ड को पढ़ेंगे उसकी मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा पहले का सी वाला ऑप्शन। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। अभी के लिए इतना।